तो फ्रेंड्स, जितना इम्पॉर्टेंट हमारा वीडियो का क्वालिटी होता है, जितना इम्पॉर्टेंट हमारा वीडियो का ऑडियो क्वालिटी होता है और जितना इम्पॉर्टेंट हमारा वीडियो का थंबनेल होता है, उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है हम अपने वीडियोस के ऊपर जो भी टाइटल लगाते हैं, जो भी कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करता है। क्योंकि आपके सिर्फ एक गलत कीवर्ड की वजह से आपका चैनल या तो डिमोनेटाइज हो सकता है, या फिर जो आपके चैनल के ऊपर जितना व्यूज़ आया रहता है उस तरह का व्यूज़ आएगा नहीं और धीरे धीरे आपका चैनल जो है वो डेड हो जाएगा। कई बार आप सब लोगों ने देखा होगा कि आखिरकार आपके कई वीडियोज़ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आपका बहुत ही अच्छा खासा व्यूज़ देखने को मिलता है, लेकिन कई वीडियोस ऐसे होता है जिसमें आप बहुत अच्छा एडिटिंग करते हो, बहुत अच्छा थंबनेल बनाते हो, जो आपका वीडियो क्वालिटी होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन आपके वीडियोस के ऊपर व्यूज़ नहीं आता है। इसके पीछे का कारण होता है जो भी आपने वीडियोज़ में हैशटैग इस्तेमाल किया है वो। क्योंकि अगर आप अपने वीडियोज़ में जब तक आपका परफेक्ट SEO नहीं करोगे, आपके वीडियोज़ के ऊपर अच्छा व्यूज़ नहीं आएगा। आपका अच्छा व्यूज़ आने के लिए तीन चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करता है। एक चीज़ है आपका थंबनेल का क्वालिटी, दूसरा आपका वीडियो का क्वालिटी, और तीसरा आपका SEO, जो अपने वीडियोज़ को अपलोड करने के बाद करते हो। तो बहुत सारे लोगों का यही सवाल है कि आखिरकार ऐसे क्या कीवर्ड्स हैं जिन्हें हम अपने वीडियोज़ में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिससे हमारे वीडियोज़ के ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। आप सब लोगों को पता होगा ही, अभी YouTube का एल्गोरिज्म जो है वो चेंज हो गया है। जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स हों या फिर छोटे क्रिएटर्स हों, जो भी YouTube के ऊपर वीडियोस बनाता है, उन सभी लोगों का व्यूज़ है वो डाउन हो गया है। मेरे भी चैनल के ऊपर आप जाकर के देखोगे तो मेरा भी चैनल का जो व्यूज़ है वो पूरी तरीके से डाउन हो गया है। और मेरा ही नहीं, जितने भी क्रिएटर हैं YouTube के ऊपर, उन सभी का व्यूज़ है वो डाउन हो गया है, क्योंकि YouTube का एल्गोरिदम जो है वो भी पूरी तरीके से चेंज हो गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप हैशटैग में कुछ गलती करते हो तो इन कुछ गलतियों के कारण आपका चैनल या तो डिमोनेटाइज हो जाएगा या फिर आपका चैनल जो है वो पूरी तरीके से डेड हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिना देरी के वजह से पहले चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरीके नए कंटेंट मैं आपके लिए रोज लेके आता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले गलती कोई भी क्रिएटर यही करता है, या फिर जो नया क्रिएटर होता है जो यूट्यूब के ऊपर आता है, जिसे ज्यादातर नॉलेज नहीं रहता है, वो क्या करता है, जो यूट्यूब में जो टाइटल लगाता है उसमें बहुत सारे हैशटैग का इस्तेमाल कर देता है। आपने शॉर्ट वीडियो में देखा ही होगा, मैंने बहुत सारे लॉन्ग वीडियो में भी देखा है कि लोग क्या करते हैं, जो उसका टाइटल के लेंथ होता है उसको तो छोटे रखते हैं, लेकिन टाइटल में बहुत सारे हैशटैग लगा देते हैं। जबकि YouTube का यही कहना है कि अगर आपको हैशटैग लगाना ही है तो आपको टाइटल में हैशटैग नहीं लगाना है, आपको लगाना है तो डिस्क्रिप्शन में लगाना है, और आपको अपने जो टेक्स्ट वाला सेक्शन होता है जहाँ पे आप कीवर्ड्स वगैरह लगाते हो वहाँ आप हैशटैग लगा सकते हो, आपको टाइटल में किसी भी प्रकार का हैशटैग नहीं लगाना है। तो पहली गलती तो लोग यही करते हैं कि वो टाइटल में भी हैशटैग का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा गलती बहुत सारे क्रिएटर्स को मैंने देखा है कि अपनी वीडियोस को वायरल करने के चक्कर में या फिर किसी भी रीजन से वो लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे हैशटैग लगा करके रखते हैं, यानी कि 15, 20, 50 हैशटैग तक लगा देते हैं, जिसकी वजह से होता यह है कि मिसलीडिंग मीटर डाटा के अंदर में उनका चैनल आता है, और कई ऐसे चैनल है जिन्हें इन्हीं हैशटैग के कारण उनके चैनल को डिमोनेटाइज कर दिया गया है। तो बहुत सारे लोग ये भी करते हैं, डिस्क्रिप्शन में आते हैं और बहुत सारे हैशटैग का इस्तेमाल करते हैं, बस यही सोचते हैं कि हम अगर हैशटैग ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमारा वीडियो जो है वो वायरल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ हैशटैग का इस्तेमाल करने से ही आपका वीडियो वायरल नहीं होता है। ये तो दूसरा गलती है कि आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे हैशटैग नहीं लिखना है। अगर आपको हैशटैग लिखना ही है तो मैक्सिमम आप डिस्क्रिप्शन में 10 हैशटैग लिख सकते हो, लेकिन 10 हैशटैग भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपको कम से कम 5 या 7 हैशटैग लिखना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना चाहिए। अब बात आती है कीवर्ड्स की। तो जैसे ही आप सब लोगों को पता होगा ही, मेन इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारा कीवर्ड। अगर हम अपने वीडियोज़ के ऊपर कीवर्ड नहीं लगाते हैं तो हमारा वीडियो जो है वो रैंक नहीं करता है, हमारा वीडियो जो है वो सजेशन में नहीं जाता है, हमारा वीडियो जो है किसी के पास नहीं जाता है। तो अगर हमारा वीडियो किसी के पास नहीं जाएगा, हमारे वीडियोस ब्राउज फीचर में सर्च रिजल्ट में नहीं जाएगा, तो हमारे वीडियोस के ऊपर व्यूज आएगा ही नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी चीज को दिखाने के लिए, अपनी इसी चीज को बढ़ाने के लिए, हम लोग कीवर्ड्स वाला सेक्शन होता है, जो टेक्स्ट वाला सेक्शन होता है, वहाँ पे भी बहुत सारे हैशटैग का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको वहाँ पे भी ज़्यादा हैशटैग का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे भी हैशटैग का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको सिर्फ 2 या 3 हैशटैग का इस्तेमाल करना चाहिए। अब सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो सबसे ज़्यादा गलती लोग यही करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो हमेशा कुछ ना कुछ वायरल चल ही रहता है। अगर वो वायरल चल रहा है तो वो कीवर्ड भी वायरल होता है, और उस कीवर्ड को डालने के बाद हमारे वीडियोस के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा व्यूज आता है। तो लोग क्या करते हैं, मान लीजिए मेरा यह टेक कैटेगरी का चैनल है और मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरह से आपको यूट्यूब के ऊपर टैग्स लगाना है, और आप लगा रहे हो टैग्स आईफोन से रिलेटेड या फिर कॉमेडी से रिलेटेड या फिर और किसी टॉपिक से रिलेटेड। यानी कि मेरे का कहने का मतलब यह है कि अगर आप जिस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हो, आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड हैशटैग का इस्तेमाल करना है। अगर आप किसी दूसरे टॉपिक से रिलेटेड हैशटैग इस्तेमाल करते हो तो हैशटैग की वजह से आपका वीडियोस वायरल हो भी जाता है, तो जितने भी सब्सक्राइबर आपके चैनल के ऊपर आएगा वो सब्सक्राइबर कुछ भी काम नहीं करेगा, आप जितने भी वीडियोस डालोगे उन वीडियोस को वो लोग नहीं देखेंगे। उसके साथ ही साथ अगर आप अपने टॉपिक से रिलेटेड किसी दूसरे हैशटैग का इस्तेमाल करते हो तो आप वीडियो का जो भी कैटेगरी
कैटेगरी रहेगा उस कैटेगरी के पास आपका वीडियो जो है वो नहीं पहुंच पाएगा। यानी कि मैं टेक कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं और मैं आपको सिखा रहा हूं कि यूट्यूब के ऊपर किस तरह से हैशटैग लगाते हैं, तो मुझे हैशटैग किस तरह से लगाते हैं, इसी तरह का टॉपिक, इसी तरह का कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हैशटैग में। अगर मैं किसी दूसरे कीवर्ड का इस्तेमाल करता हूं तो मेरा जो वीडियो जो है वो आपको नहीं दिखेगा। यानी कि जो चाहता है कि मुझे किस तरह से कीवर्ड लगाना है, जो सर्च मारेगा यूट्यूब के ऊपर आकर के कि यूट्यूब में किस तरह से कीवर्ड लगाते हैं, तो आपका वीडियो जो है वो सर्च रिजल्ट में नहीं आएगा, क्योंकि आपने उस टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड लगा करके ही नहीं रखा है। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब यही कि आपका टॉपिक जो भी रहा हो, जिस भी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बना रहे हो, उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको कीवर्ड लगाना है, तभी आपके वीडियोस के ऊपर व्यूज आएगा। और अगर आपके वीडियोस के ऊपर व्यूज भी नहीं आता है, अगर 20, 50, 100, 200 भी सब्सक्राइबर आपको एक वीडियो से मिल जाता है, तो वो आपको जेन्युइन सब्सक्राइबर मिलेगा, वो आपके और भी अदर वीडियोस को देखेंगे जब आप यूट्यूब के ऊपर डालोगे। तो यही 3-4 गलती आपको नहीं करना हैशटैग डालते टाइम। अगर आप ये 3-4 गलती करते हो तो आपका चैनल या तो डेड हो जाएगा या फिर यूट्यूब आपके चैनल को डिमोनेटाइज कर देगा। आई होप ये वीडियो सब लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा नॉलेजबल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं कल एक और नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।